हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। केदारनाथ सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने आपको बताया कि आप केदारनाथ कैसे आ सकते हैं। हमने आपको दिल्ली से गौरीकुंड तक की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। सेकंड वीडियो में हमने आपको गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक की पैदल यात्रा के बारे में बताया, और इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ मंदिर तक लेके जाएंगे और साथ ही भैरव बाबा और आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं केदारनाथ धाम। आज हमारा तीसरा दिन है। कल हमने यहाँ बेस कैंप में ही स्टे किया था, तो फाइनली आज बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो अब हम निकलते हैं दर्शन के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। रात को हम लोग कैंप में रुक गए थे, बहुत थक गए थे, शाम को लेट हो गया था आते आते, और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करके स्टार्ट कर दिया है। मंदिर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से बेस कैंप के बाद पहले दर्शन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये पहले दर्शन है केदारनाथ मंदिर के। बाकी चलते हैं और लगातार यात्रा जारी है मंदिर की तरफ, और सामने के नज़ारे बहुत औसम है। वैसे घोड़ा पड़ाव के बाद हम बेस कैंप रुके थे, इसके बाद से पूरा फ्लैट रोड हो गया, चढ़ाई ख़त्म हो गई है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है मंदिर, इजीली ट्रैक करके जा सकते हैं। यहाँ से ज़रूरत नहीं है, चार चढ़ाई है ही नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं केदारनाथ जाने के बेस्ट टाइम की। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ 6 महीने मई से दिवाली के बाद भाई दोस्त तक ही खुलता है। तो वैसे तो आप इन 6 महीने में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 महीने मंदिर के कपाट खुलने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिस कारण आपके दर्शन ठीक से नहीं हो पाएंगे, और हो भी सकता है कि आपके दर्शन ही ना हो। उसके बाद जुलाई और अगस्त मानसून का टाइम होता है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड होना, बादल फटना, ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मानसून के टाइम जाना तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो हमारे हिसाब से केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम है वो है सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि इस टाइम भीड़ भी कम होती है और मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइस, इस टाइम हम लोग खड़े हैं हेलीपैड पे। ये बेस कैंप से 0.5 किलोमीटर आगे है हेलीपैड, और यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं एक साथ। और देखिए मेरे पीछे हेलीकॉप्टर्स, बहुत तेज आवाज है। और इसका ऑनलाइन चेक किया था, 4700 राउंड ट्रिप है, बड़े प्री बुकिंग करा के आना पड़ेगा आपको। तो जब भी आते हैं, प्लान है हेलीकॉप्टर से आने का, प्री बुकिंग कराएं। चलिए आगे मिलते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लाइन लगी हुई है, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आए हैं वो यहाँ से लाइन में लग के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करवा के आए हैं तो यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड वगैरह दिखा दीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ से टोकन मिल जाएगा। मैं टोकन दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का टोकन होगा। ये है हमारा वेरिफिकेशन टोकन, तो आपको ये मिल जाएगा, उसके बाद अपनी यात्रा यहाँ से आगे के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला 500 का है, और कौन सा बताया आपने भैया? 200, 250, 500 वाले के अंदर प्रसाद है, चुन्नी है, गंगा जल है, केन है, गमछा एक्स्ट्रा है, 250 वाले में, और इसमें रुद्रा। ये देखिए बाबा के दरबार जाने के लिए लाइन देखिए यहाँ से, ये हम बहुत पीछे खड़े हैं हम लोग, और लाइन देखिए आप, हम तो मंदिर परिसर में भी नहीं है। ये यहाँ से स्टार्ट होके वो ब्रिज के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से यहाँ ऐसे करके जा रही है लाइन, बहुत लंबी लाइन है। और वहाँ उसके बाद अभी तो बहुत दूर है, जब वहाँ पहुँचेंगे आपको दिखाऊंगा। और वो देखिए मंदिर का टॉप दिख रहा है, देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा। अभी 10:10 हो रहे हैं, जब नंबर आएगा वो बताऊंगा मैं आपको।
तो इतनी लंबी लाइन देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हम पहले भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, तब तक हमने अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स को यहाँ लाइन में लगा रखा है, और हम भैरव दर्शन करके आएंगे तब तक हमारे केदारनाथ धाम में नंबर भी आ जाएगा। तो हम निकल रहे हैं भैरव बाबा के लिए। भाई शॉर्टकट मार के आ गए। जय बोले, आजा आजा, जय बोलेगी। और मान लो इधर वहीं से चल देते हैं भैरव पे। वो रफ हमारे बाबा का धाम, और ये आपको वाटरफॉल दिख रहा है, इसमें ये zigzag करके जो ऊपर को जा रही है, ऐसी ट्रैक है यहाँ से वासुकी ताल की, 8 किलोमीटर का ट्रैक है, सेम डे में करना पड़ता है ये। तो आपको अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे निकलना होता है, और यहाँ के लिए गाइड कंपलसरी है, बहुत खड़ी चढ़ाई है ये। और यहाँ से फिर हम लोग अभी मेरे बाबा के लिए जा रहे हैं। काफ़ी खड़ा रास्ता है, लेकिन हमने शॉर्टकट मार लिया था। शॉर्टकट देखिए आप, बिल्कुल ढलान है यहाँ से। ठीक है, टाइम बच गया, जब तक वहाँ हमारा नंबर आएगा बाबा के धाम पे, तब तक हम भैरव बाबा कंप्लीट कर लेंगे। जय भैरव बाबा। तो भाई हम लोग अभी पहुँच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर, और ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से आप दर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। और ये भैरव बाबा मंदिर है, और ये भैरव बाबा जी, और यहाँ से आप देखिए, और अपने केदारनाथ धाम, पूरा 1 किलोमीटर का ट्रैक है, 15-20 मिनट में आ जाते हैं। इस टाइम हम ट्रैक करके ना नीचे से भैरव पे आए, और भैरव पे आने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं, और यहाँ से जो व्यूज़ हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। सामने ग्लेशियर देखिए आप, काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से पूरे वैली, और ये आसमान का नज़ारा ऊपर देखिए, बादल वगैरह, ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है। ऐसा लग रहा था बुग्याल वगैरह नहीं होते हैं, उसी टाइप से है। आप ये भैरव बाबा से थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ पर। लाइन देखिए कितनी लंबी है, और 1.5 घंटा हो चुका है अब तक यहीं पहुँचे, आधी लाइन पे, आधा भी नहीं हुआ है अभी तो, बहुत टाइम बाकी है, 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अब धाम की तरफ, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, आपको धाम के दर्शन कराते हैं। जय केदार बाबा। फाइनली सपना पूरा हो चुका है केदारनाथ आने का, और आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। फाइनली हम लोगों के दर्शन हो गए हैं केदार बाबा के, विराग, निक्की और हम तीनों ने दर्शन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं। मंदिर बहुत सजा हुआ है पूरा। विराग देखो बाबा के हाथ जोड़ो। आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए केदार बाबा के, और हमारी चार धाम यात्रा में से एक यात्रा, एक धाम कंप्लीट हुआ है आज। गाइस आप जो पीछे देख रहे हैं भीमशिला है, और ये जस्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे है। इस भीमशिला का जो महत्व है ये बहुत बड़ा हो गया है, इसको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी बताऊंगा। जो लोग नहीं जानते हैं ये क्या है, तो मैं बता दूं, 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में,
बहुत लोगों ने भी जान गंवाई थी, अनगिनत लोग मारे गए थे, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है, ये मंदिर के जस्ट पीछे आके लग गया था और इसकी वजह से जो पानी का बहाव था वो दो पार्टों में बट गया और वो जो पानी की वजह से जो मंदिर को क्षति पहुंच सकती थी वो नहीं हुई। वैसे हालांकि पानी काफ़ी आ गया था मंदिर के अंदर भी, लेकिन जो क्षति पहुंचती थी वो नहीं पहुंची इस भीमशिला के लिए, इसलिए इसको भीमशिला का नाम दिया गया और लोग आज भी इसकी बहुत पूजा करते हैं, तब से इसकी मान्यता बहुत बढ़ गई है। और ये देखिए आप कुदरती कहेंगे, बिल्कुल मंदिर के पीछे जाके सोचे कहाँ से आ रही होगी लुढ़कते लुढ़कते, उसके बाद ये मंदिर के पीछे आके रुक गई। चाहती तो आगे तक जा सकती थी, हो सकता है ये मंदिर में भी टकरा सकती थी, बट ये यहाँ आके रुक गई है। तो आप सोच सकते हैं भगवान का करिश्मा है ये केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर है ये, हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे से, बस यही आशीर्वाद मांगता हूँ भगवान से, बाबा केदारनाथ से, कि उनकी कृपा बनी रहे हमारे पर और हर साल हमें यहाँ का न्योता दें, इतनी हिम्मत दें कि हम उनके पास हर साल आएँ और हमारे माध्यम से आप लोग भी यहाँ के दर्शन करें। चार धामों में से एक ये धाम है, तो आपको भी इनके दर्शन कराए हैं हमने। बस कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा लगाइए और मंदिर के दर्शन कीजिए। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने वीडियो कॉल के थ्रू अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दर्शन करा दिए हैं। और नेटवर्क की बात करूं तो यहाँ मंदिर के प्रीमिसेस में तो नेटवर्क आते हैं, लेकिन गौरीकुंड से लेके अगर आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो रामबाड़ा तक नेटवर्क नहीं आते हैं, लेकिन रामबाड़ा से लेके केदारनाथ तक आपके नेटवर्क आते जाते रहेंगे। तो मेरा जियो का कनेक्शन है, इसके नेटवर्क तो यहाँ पर फुल आ रहे हैं। तो फाइनली हम जा रहे हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर। केदारनाथ मंदिर के बैक साइड में थोड़ा सा आगे जाके ही इनकी समाधि है। पूरे भारतवर्ष की यात्रा व चार धाम की स्थापना करने के बाद अपने अंतिम समय में आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आ गए थे। कहा जाता है वैसे तो केदारनाथ मंदिर पांडवों ने बनवाया था, लेकिन 8वीं सदी में श्री आदि शंकराचार्य जी ने इसे पुनः स्थापन किया और मंदिर के ठीक पीछे 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी ने समाधि ले ली, इसलिए मंदिर के दर्शन करने के बाद भक्तगण यहाँ जरूर आते हैं। तो हम केदारनाथ की सीरीज यहीं एंड करते हैं। केदारनाथ सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी केदारनाथ की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।